हेलो, गुड मॉर्निंग। दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी, सबके घरों में चल रही हैं। और जैसे त्यौहार ये आया है राजी खुशी, हर साल सबका राजी खुशी त्यौहार आए, खुशियां लेकर आए, दुगनी खुशियां लेकर आए। जी हाँ, आज बात करूंगी मैं स्नैपी गर्ल की। कोई कह रहा है ग्वालियर क्यों छोड़ के गई, कोई कह रहा है ग्वालियर क्यों छोड़ के गई, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी बिल्कुल सही, बिल्कुल पक्की बात बताऊंगी, जो कि मुझे परसों पता चली। कल मैंने उनके ऊपर नहीं बनाई, परसों शाम मुझे पता चली। और ऐसे देखते 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 मैं सोशल मीडिया पे एकदम अटक गई। ओहो, समझ में आ गया। और देखिए, मुझे किसी बहुत खास बंदे ने का मैसेज आया, मुझे पता चला, मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है आज, देखना अच्छा लगेगा आपको। कोई बात अगर हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जी, मैं हमेशा जवाब देती हूँ कमेंट का। जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना लोग, हर फन में होते हैं, मतलब हर चीज़ उनसे आती है, वो परेशान क्यों होते हैं, वही ज़्यादा दुखी होते हैं। मैंने देखा है कि जिनसे कुछ नहीं आता ना, उनके नसीब कितने अच्छे होते हैं। और जो इतने टैलेंट होते हैं उनके, वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल नहीं करते। मैंने 80% लोग ऐसे नोट किए हैं। सपना को देखो, एक कितने अच्छे आदत उसकी, कितने अच्छे संस्कार, लोग कह रहे हैं चली गई, जाती ना तो वो क्या करती, कितनी परेशानी उसने उठाई। सूरज जी की बात जो उसने अब आके बताई, दूसरी बात स्कूटी चलाना, तीसरी बात मेहंदी इतनी अच्छे से लगाना और सिलाई करना, फॉले लगाना, सिलाई में महारत है, और घर का सारा काम करना, सबसे अच्छे से मिलकर रहना, सबसे बड़ी बात हर एक को अपना समझ लेना। तो इतनी टैलेंटेड है वो लड़की, लेकिन नसीब देखो। ऐसे ही मैं अपनी बात बताऊँ, मुझसे सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन, घर का काम, बुनाई, स्कूटी चलाना, गाड़ी चलाना, और सोशल मीडिया पे जैसे सपना है, देखो सोशल मीडिया मुझसे नहीं आता था बिल्कुल, वीडियो कुछ नहीं आती थी। मैंने बेटी से कहा, बेटी कोरोना में कि तू कर दे जरा, ये 2021 की बात है, 21 की, हाँ, तो बोली आई डी एम श्योर मम्मी आपसे नहीं आएगा। और आज वो ताज्जुब करती है कि आप वो काम कर लेते हो उस पर, मतलब सोशल मीडिया पे, जो हमसे नहीं होता, हम नहीं जानते, आप बहुत डीप चले गए हो। लेकिन ऐसा है ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सीखोगे तो आपसे आएगा। तो मैं कह रही हूँ, हर काम, घर का, खाने का, कोई सा भी हो, कुछ भी काम आप कहो, पीछे नहीं है हम। लेकिन हमारा नसीब देखो, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में बीत गया, जैसे आप सबको पता है, बताती हूँ मैं, छोटी सी उम्र में मैं भी वीडो हो गई थी, पूरी ज़िंदगी बिता दी, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में बीत गया। ऐसे ही सपना का, ऐसे ही एक और है मेरे स्टाफ में, दो लोग हैं बहुत, मतलब इतने टैलेंट हैं उनके अंदर, बहुत टैलेंट है, लेकिन वो भी स्ट्रगल ही, उनका बच्चों को पालना ही अकेले। ऐसा नहीं है, दुनिया पड़ी है, दुनिया में झांक कर देखो आप, बहुत लोग ऐसी हैं, बहुत हैं औरतें ऐसी जो अकेले पाल रही हैं, अकेले ही रहती हैं। और बहुत से लोगों ने तो ससुराल भी नहीं छोड़ी अपनी, वहीं रहती हैं, कह रहे हैं क्या करें, कहाँ जाए, बच्चों की वजह से वहीं रहते हैं कि बच्चों को जो है एक छत्र छाया मिल जाए, उन लोगों के बीच में रहेंगे तो सही होगा। तो मैं ये कह रही, मेरा मोटिव यह है कहने का कि जितने टैलेंटेड लोग होते हैं उनके साथ उनका नसीब इतना ख़राब क्यों होता है, उनका ज़िंदगी स्ट्रगल करके क्यों बीत जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं आता और ज़िंदगी देखो कितने अच्छे से चलती है ना। तो ये सब नसीब नसीब पे डिपेंड करता है ना। तो आपको मैं बताऊं, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ ऐसे लोगों पे भी और अपने पे भी, अपने आप पे भी करती हूँ। जी हाँ, आगे बढ़ने के लिए पीछे भूलना बहुत ज़रूरी होता है, पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप आगे बढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे का भूलो, अगर पीछे को पकड़ के आगे बढ़ोगे ना, मुंह के बल गिरोगे। मैं 101% बात ये सच बता रही हूँ, समझ गए होगे आप क्या कहाँ बोल रही हूँ, मैं किसे कह रही हूँ, कि पीछे को भी पकड़े रहे और आगे भी बढ़ते रहे तो मुंह के बल गिरता है इंसान। और जब आगे बढ़ना होता है इंसान को, तो पीछे की सारी बातें भुला के जो आगे बढ़ता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक लक्ष्य अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ता है, वो हमेशा कामयाब होता है। जी, इसलिए लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सपना ग्वालियर से, आज बिल्कुल 101% सही बता रही हूँ, ग्वालियर से क्यों गई। आपको शायद याद होगा कि उसका मिस्टर पड़ोसी वीडियो बनाता है, अचानक ही एकदम उसे क्यों जाना पड़ा, मैं आपको बताती हूँ।
और उसका एड्रेस लीक कैसे हुआ, गाड़ी नंबर लीक, गाड़ी का नंबर तो अभी मिला ही नहीं होगा, लीक कहाँ से होगा, गाड़ी का नंबर तो थोड़े टाइम बाद मिलता है, आप स्कूटी भी लो तो हाथों हाथ नंबर नहीं मिलता आपको। जी हाँ, एड्रेस लीक कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसका जो पड़ोसी है, मिस्टर पड़ोसी, जिसने जहरी का वीडियो डाला था, आपको याद होगा, वो 4 तारीख को ग्वालियर आया था। बिल्कुल सही रिपोर्ट दे रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल सही रिपोर्ट, ये उसने खुद कहा है। और मेरे पास ये मैसेज आया, फिर मैंने जब छानबीन करी तो हाँ ये बात बिल्कुल पक्की निकली। 4 तारीख को वो ग्वालियर आया था, उसकी मिसिस पुलिस में है, उसकी मिसिस का ग्वालियर में मैच था कोई, वहाँ उसकी मिसिस की ड्यूटी लगी हुई थी, उसकी मिसिस की वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, और वहाँ वो ड्यूटी में आया था। और वहाँ ये तो था नहीं कि, और बच्चों को लेके भी आया था। वो ग्वालियर क्यों आया था, उसकी मिसिस की ड्यूटी पता नहीं कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ लगती होंगी, क्या वो हर जगह जाता होगा, बताइए आप, क्या वो हर जगह थोड़ी जाता होगा, नहीं, ग्वालियर वो जानबूझ कर आया, क्योंकि सपना का उसे पता चला था, सपना ने बता दिया था कि मैं ग्वालियर आ गई, मैं ग्वालियर में हूँ जी। और आपको बताऊँ, वो ड्यूटी तो वो कर रही होगी, बच्चों को भी लेके आया था, तो बच्चों को उसने घुमाया इधर उधर उधर उधर, मैं नहीं मानती उसने ये पता भी निकाल लिया कि सपना कहाँ रह रही है। और जैसे ही सपना को ये बात पता चली, सपना को तुरंत छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ रहने का मतलब फिर ये था कि हर बात लीक होगी, हर कोई भी आ सकता था, मारने की धमकी मिल गई थी, बच्चों को, बच्चों के साथ भी कुछ भी हो सकता था फिर। और धमकी जो मिली थी वो तो खैर मारता तो कोई हर कोई ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी जब इतनी बड़ी बात पता चल गई थी, वो भी उसे जो सपना का दुश्मन है, समझ गए, जो सपना का दुश्मन है उसे पता चल गई थी, तो आप कैसे मान सकते हो कि ये एड्रेस हर किसी को ना पता चलता, ये हर किसी को पता चलता। और कल को सबसे बड़ी बात ये थी, सपना पे तो थी खतरा, बच्चों पे सबसे ज़्यादा खतरा था, और उसके लिए इस टाइम सबसे बड़े जो हैं वो बच्चे हैं, बच्चों के अलावा उसके पास कोई धन दौलत नहीं है, सबसे बड़ी दौलत उसके पास है जिससे वो जिंदगी की जंग जीतेगी। जी हाँ, उसने ये पता सारा निकाल लिया, ग्वालियर आके कहाँ रह रही है, और निकालने के बाद आप समझते हो ना, हर एक को पता चल गया होगा सपना कहाँ रह रही है, सबको पता चल गया होगा कौन सी सोसाइटी में रह रही है, कहाँ रह रही है। जी, मैं आपको सटीक बता रही हूँ, इसलिए सपना को एकदम से ये बाजार बदलना पड़ा और जाना पड़ा। जी बिल्कुल सही बोल रही हूँ, और कितनी झूठ बोल बोल के लोग वीडियो बना रहे हैं सपना के लिए, आपको बताऊँ कितने झूठ बोल बोल के लोग वीडियो बना रहे हैं कि मेरठ का मकान ले लिया है, मेरठ के मकान में हिस्सा दे दिया है, मेरठ के मकान में सपना आ गई है। अरे मेरठ के मकान में सपना ने कहा था 1 साल लगेगा, अभी उसे अधूरा है बनने में, बन अगर बनेगा तो अभी टाइम लगेगा उसमें, वो कहाँ से आ गई, आ जाएगी, और दूसरी बात वो दे देंगे, तुम्हें ऐसा लगता है वो दे देंगे मकान, अगर वो 1% दे भी देंगे, मैं सास ससुर को बुरा नहीं कह रही, तो लोग नहीं देने देंगे, जो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उन्हें अपने जाल में फंसा रखा है, वो लोग नहीं देने देंगे, अगर सास ससुर दे भी देंगे तो। मैं बुरा नहीं कह रही सास ससुर को, अगर उनके मन में एक बार को आ भी जाएगी कि चलो दे देते हैं, लेकिन वो नहीं देने देंगे, तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं लोग, जबकि सबको पता है कि सपना मथुरा नहीं है। मैं बता रही हूँ मथुरा में सपना नहीं है, क्यों आएगी वो मथुरा में, मैंने, मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो शिवपुरी अपनी ससुराल और मैके के बीच में है, मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगी, हम खुद कहते हैं उसकी प्राइवेसी लीक मत करना जहाँ वो गई है, तो इतना झूठ क्यों बोल देते हैं लोग, कुछ भी उसके लिए, कुछ भी, लेकिन एक बात बताओ, लोग फिर समझ जाते हैं। और एक बात बताओ, सपना का प्रमोशन के काम पे बहुत असर पड़ा है घर चेंज करने से, शिवपुरी छोड़ने से, प्रमोशन कितना करती थी वो, कितना प्रमोशन आते थे उसके पास, कोई प्रमोशन नहीं आ रहा उसके पास। अब उसका जब पक्का हो जाएगा कि मुझे यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो वो धीरे धीरे सब काम शुरू करेगी, और मुझे अब नहीं लगता कि अब ये यहाँ से जाएगी, कैसे ही घर है चाहे, टाइम काटना है इस टाइम। देखिए हर सुविधा हर सुख अपने घर में होता है, अपने घर में भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है कि अरे ये नहीं हुआ, ये चीज़ होती तो अच्छा हो जाता, अपने घर में भी नहीं होता। और ये जो घर लिया है टाइम काटना है, इसमें ज़िंदगी नहीं बितानी है सपना को, अपना हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, सब कर लेगी कि इस ये घर ऐसा है देखने में लुक वाइज अच्छा नहीं है, ये है, कोई ज़रूरी नहीं है लुक वाइज अच्छा है या नहीं है, इस टाइम 4 पैसे बचेंगे उसके, उसके बच्चों के काम आएंगे, और इसमें उसे कोई ज़िंदगी नहीं काटनी, घर का टाइम काटना है। लोग कह रहे हैं पहनावा चेंज हो गया है सपना का, अरे भाई पहनावा चेंज तो अपने आप ही होगा, वो ससुराल थी और ये मैका है, ससुराल और मैके में रहने में अंतर नहीं होता लड़की लेडीज़ में,
ससुराल में रहती है ससुराल के तरीके से रहती है, मैके में रहती है मैके के तरीके से रहती है। तो इसमें जो कह रहे हैं पहनावा चेंज हो गया, सपना का बहुत चेंज हो गया पहनावा, तो इसमें क्या मतलब, मतलब एक कॉमन सेंस की बात होती है यार, किसी की समझ में ये भी नहीं आता। अब भी वो यहाँ भी सिर्फ दुपट्टा करके रहेगी क्या, साड़ी पहन के रहेगी क्या, सूट पहन के रहेगी क्या, पर्दे में रहेगी क्या, किससे करेगी यहाँ पर्दा है? जीने दो उसे यार, जीने दो, दुखी दुख उठाए हैं अभी तक उसने, थोड़ी सा टाइम गुजारा था राजवीर से, राजवीर के साथ अच्छा, वो भी भगवान को पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा, समझ में नहीं आया, दुखी दुख है उसके जीवन में, बच्चे पालने आसान नहीं होते, तो उसे जीने दो यार, ऐसे मत बोलो प्लीज़। मैंने पहले कहा था ना मिस्टर पड़ोसी के बारे में कि इनसे किसी ने नहीं कहा वीडियो बनाओ, लेकिन ये आ गए थे ज़बरदस्ती वीडियो बनाने, और अब भी दशहरे की वीडियो बनाई है, देखो इन्होंने, मैं बताऊँ आपको, दशहरे की वीडियो बनाई है पूजा करते हुए, पुरानी गाड़ी की वो हर साल पूजा करते हैं, जैसे लोगों ने कहा उन्होंने गाड़ी ले ली है, सपना वहाँ पहुँच गई है, देखो सपना की गाड़ी खड़ी है, सपना की गाड़ी की पूजा हो रही है, कुछ भी बोलते हैं लोग, वो अपनी गाड़ी की, सपना ने बताया वो अपनी गाड़ी की हर साल पूजा करते हैं दशहरे पे, तो वो अपनी गाड़ी की पूजा कर रहे थे धोधा के। दूसरी बात, स्कूटी की पूजा कर रही थी उनकी सास, जो स्कूटी नहीं लाए हैं जी, उस स्कूटी की पूजा कर रही थी सास। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बोलो ना यार, सोच समझ के बोलो, सही बोलो, है ना, जो सामने वाले को भी लगे कि हाँ सही है। तो मैं मिस्टर पड़ोसी की हाँ बात कर रही थी, किसी ने नहीं कहा था उससे, मेरी बात ये देखो बिल्कुल 100% 101% सच निकली ना, एक ही बात कही थी मैंने, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने एक ही बात कही थी, ठीक है उन्होंने तुमसे कहा है वीडियो बनाओ, हमारी अपडेट दो, जैसे आप कह रहे हो अगर उन्होंने कहा है हमारी अपडेट दो, तो बोलते हुए वीडियो में दिखाओ कि हाँ हमने कहा है हमारी अपडेट दो, वहीं वो शांत हो गया और फिर उसने वीडियो नहीं बनाई, एक आध बार बनाई होगी के साथ। और ये जो दशहरे की बनाई है ना, ये भी इसने अपनी गाड़ी की पूजा करते हुए, क्योंकि अपनी भी गाड़ी की पूजा हो रही है, इसकी लड़की इसके बच्चे कर रहे हैं और उधर उसकी उनकी सपना की सास कर रही है पूजा, तो इसने अपने बच्चों की वीडियो बनाई है, ले उसने सपना की सास को भी ले लिया है, ससुर को भी ले लिया है, घर को भी ले लिया, तो ये कुछ नहीं है, ये केवल बेवकूफ बना रहा है वो आपका, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कह देगा कि मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ उसमें आप लोग आ गए, लेकिन उसी टाइम क्यों, जिस टाइम उनकी सास पूजा कर रही थी उसी टाइम क्यों, तो ये चला कि ना, ये हमें मत सिखाओ, हम बैठ गए, हम कह रहे हैं ना हम बैठ गए हैं एक्सपीरियंस होल्डर, हम पकड़ लेते हैं बात को सामने वाले की, जी हाँ, तो ये बेवकूफ मत बनाओ आप। तो मैं बस इतना ही कहूँगी सपना से कि अच्छा लग रहा है, देखो परिवार के साथ चले गए हैं, नाना भी हैं उसकी, मम्मी भी हैं, नाना नानी हैं बच्चों की, बच्चों के नाना नानी में बच्चे शायद हो सकता है कि अपने बाबा को देखें अम्मा को देखें प्यार, क्योंकि बड़े बूढ़े होते हैं ना, बच्चों को तो प्यार चाहिए है ना, बाबा दादी अम्मा के बीच में से आए हैं बच्चे। और देखो एक कमेंट मेरे पास आया था कि अम्मा दादी प्यार करती थी, अम्मा और बाबा प्यार करते थे तभी तो बच्चों को याद आ रही है, हाँ सही बात है आपकी, अम्मा बाबा प्यार करते थे तभी बच्चों की याद आ रही है, बच्चों को याद आ रही है अम्मा बाबा की, बच्चे प्यार नहीं करते थे अम्मा बाबा को, बच्चे भी तो प्यार करते थे अम्मा बाबा को, अम्मा बाबा को याद नहीं आ रही बच्चों की, नहीं आ रही होगी, मैं तुमसे बता रही हूँ आ रही होगी, लेकिन वो जो साथ में लगे हुए हैं उनकी बुद्धि ऐसी कर दी है क्या, समझ में नहीं आता मेरी तो, हमें कोई अपने टस से मस करके दिखाए हमारे इरादे से हो ही नहीं सकते, हम सवाल ही नहीं उठता, नहीं हो सकते, वो उनका पता नहीं दिल कैसा है, चार लोग होते हैं, चार तरह की चीज़ें बनती हैं, चार तरह की बातें होती हैं, चार जनों के बीच में बैठ के बात होती हैं, पता नहीं चलता बच्चों के साथ दिन का पट जाता है, लेकिन यार इनका पता ही नहीं है किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। मुझे तो सबसे, मुझे कुछ नहीं है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सामान ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मुझे इस बात की बिल्कुल नहीं है, मुझे सबसे बड़ी बात है सपना में लाख कमियाँ थी, सपना बहुत बुरी है, सपना बहुत गलत है, सब कुछ सही है, आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन यार उन बच्चों की क्या गलती, बस मैं तो एक बात कह रही हूँ, मेरी इस बात का जवाब दे दो यार, बच्चों के लिए तो दुनिया कंप्रोमाइज़ में कर लेते हैं लोग, पूरी पूरी लाइफ का कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं यार, और ऐसा भी नहीं कि चलो ये दो बच्चे हैं और लड़का है उसके भी दो तीन बच्चे हैं, तो चलो हो सकता है ये दो तीन बच्चों में ज़्यादा प्यार है, इन दो बच्चों को नहीं समझा, ये सोच लेता है इंसान है ना कि चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आप कि दो ही बच्चे लड़के दोनों ख़त्म हो गए, उन दोनों लड़कों की निशानी आगे कुछ और नहीं, आप किसी के बाप को, आप पहली बात बताऊँ मैं, किसी के बाप को अपने बच्चों का बाप नहीं बना सकती, पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, ये मैं कहीं और जो मैं बोल रही हूँ आप समझ लोगे। दूसरी बात, किसी दूसरे को आप पास में रख लो और कह दो कि सोचो कि ये हमारा ज़िंदगी का सहारा बन जाएगा,
या दूसरा आ तो जाएगा प्रॉपर्टी के लालच में, लेकिन वो आपको इज्जत और प्यार नहीं दे पाएगा जो आपको अपना देता है। जब आप दुखी होगे ना तो अपने को तरस ज्यादा आता है, गैर को नहीं, दूसरे को नहीं आता जी। ऐसे ही जो बहुत से क्या करते हैं, बहुत से लोग शादी कर लेते हैं, जैसे एक ही परिवार में हो जाती है तो चलो ठीक है, बाबा दादी भी वही रहते हैं, जैसे सपना की हुई कि बाबा दादी भी वही रहे, घर वही रहा, चाचा थे, कोई बात नहीं, हो गई। लेकिन अदर कहीं फैमिली में अगर करते हैं ना, मैं नहीं समझती किसी को बाप बना के किसी कोई दूसरा तुम्हारे बच्चे का बाप बन जाए, किसी हाल में नहीं समझती मैं। और ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं हो जाता है, लेकिन नहीं, आगे आगे ज़िंदगी में पढ़िए, बहुत कुछ आगे पता चलेगा, सब आगे आगे आ जाता है, पता चल जाता है कि हम कहाँ सही थे, वो कहाँ थे, हम अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो मैं सपना से बस इतना ही कहूँगी, अब अपनी प्राइवेसी लिख तो उसने पहले भी नहीं करी थी, बस नाम बता दिया था कि मैं ग्वालियर में रह रही हूँ, अब ये भी मत बताना कहाँ रह रही हूँ। और आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आपकी मम्मी इतनी सीधी महिला हैं, देख के लगता है कि बहुत सीधी महिला हैं, बहुत ज़्यादा है ना। और मैंने एक वीडियो देखी थी कि तुम्हारी लड़की तुम्हारी गोद में बैठी हुई कितनी रो रही थी, और तुम्हारी सास, उसकी सपना की सास कितना कुछ बोल रही थी, है ना। तो बस, और आप चुपचाप सुन रही थी, यही आपकी सबसे बड़ी कमी रही शुरू से ही। हर चीज़ का अगर आप ऑब्जेक्शन उठाती, हर चीज़ का को सही गलत को गलत कहती, तो शायद इतने वो लोग हावी आपके ऊपर ना होते। चलो ठीक है, इसमें भी भगवान की कोई बेहतरी होती है, आप हमेशा उसका साथ रहना, रहोगी, हाँ ऐसी बात नहीं है। और अब तो वो ऐसी जगह आ गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की छोड़ो, लोगों को तो परेशानी होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ठीक है। बस मैंने ये बताना था कि आखिर मेरा मेन पॉइंट आज की वीडियो में ये था कि असली बात क्या है, वो ग्वालियर छोड़कर क्यों आई थी।